हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल वेस्टिंग की रीप्लेसमेंट डिसीजन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। उससे पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। तो लेके स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी है कि जस्ट इंस्टॉल किया मशीन मॉडल ए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एट ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 50,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड डील कॉस्ट आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वॉल्यूम ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कंपनी ने अभी एक नया मॉडल इंस्टॉल किया है मॉडल ए, उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है जैसे कि कैपिटल कॉस्ट है आपकी, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट है आपकी 0 पीरियड में, या कि 1 लाख रुपीज। उसके बेस पर हमारे यूनिट जनरेट होंगे 1 लाख और उसकी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 50,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम दी जा रहे 50,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड जो फिक्स कॉस्ट एट दिस वॉल्यूम ए जो 4 लाख, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट भी आपको दे रखी है जैसे कि 4 लाख और सेलिंग प्राइस है आपका पर यूनिट जैसे कि 5 रुपीज और यूनिट्स हमारे हैं 1 लाख, कुछ सेल्स आ जाएंगी आपकी, सेल्स आर 5 लाख। कंपनी है नाउ कोई मॉडल ए अभी हमने परचेज किया है, बट नाउ कंपनी है कम अक्रॉस एनदर मशीन कॉल्ड सुपर मॉडल। तो अब एक नया मॉडल अवेलेबल हो गया है मार्केट में इमीडिएटली, सुपर मॉडल एंड विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट एन एस्टिमेटेड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। पर इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी गैप विल बी ओनली 30,000, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन वैल्यू, दिस मशीन विल हैव ए 5 ईयर लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू, कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 150। तो इसकी जो कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे 150, पर इसका बेनिफिट यह है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी हो जाएगी 30,000 और फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 4 लाख। यूनिक सेम मिलेंगे, सेलिंग प्राइस सेम है, उसमें सेल्स भी आपकी 5 लाख ही रहेंगी सेम। कंपनी है कैन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन मॉडल ए विच है जस्ट मिन इंस्टॉल, कि एक मॉडल ए की हमें सेल ऑफर आ रही है तो उसकी सेल वैल्यू दी है एस 0, मीन्स हम मॉडल ए को सेल करके सुपर मॉडल परचेज करके 50,000 इसकी सेल वैल्यू है। एंड द कॉस्ट रिमूवल, और इसको रिमूव करने की कॉस्ट पड़ेगी 10,000, तो इट मीन्स माइनस करके रिमूवल कॉस्ट तो नेट सेल आपको मिलेगी 40,000 और आपने इग्नोर करना है टैक्स नहीं है इसमें, सो टैक्स रेट लीजिए 0% मेंशन नहीं किया है। तो इन व्यू ऑफ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट देगा कंपनी के गुजारिश हो डिसमेंटलिंग मशीन मॉडल ए एंड इंस्टॉलिंग सुपर मॉडल। तो कंपनी सोच रही है कि मॉडल ए को डिसमेंटल करके सुपर मॉडल परचेज किया जाए एंड एज्यूम दैट मॉडल ए हैज नो यट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन एंड द टाइम लैग इन रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सुपर मॉडल इज नॉट मटेरियल। जैसे पुराना मॉडल आप डिसमेंटल करेंगे इमीडिएटली नया परचेज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 14%, डिस्काउंट रेट 14%। आपको डिसीजन देना है डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग डिसीजन, दो डिसीजन बोले हैं, स्टेक वगैरह कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए मशीन बाय इंस्टॉलिंग सुपर मॉडल। तो आपको डिसीजन लेना है क्या हमें ये रिप्लेस करना चाहिए, तो लेकर से टैक्स को है नहीं, एक नहीं डेप्रिसिएशन पे टैक्स भी मिलेगी नहीं, उसको इग्नोर कर लीजिए। तो लेकर से बटे जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं बटे जो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो I0, आप नया परचेज करेंगे पुराना सेल हो जाएगा, 150 का परचेज किया आपने न्यू मॉडल और 1 सोल्ड, तो इनिशियल आउटफ्लो है आपका 110,000। फिर अब देखिए सेविंग कितनी होगी आपको, तो इसमें भी सेल को सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग होगी 20,000, टैक्स है नहीं आपको, तो यही कैश इनफ्लो बन जाएगा, इतनी कैश इनफ्लो पर एनम
दिस विल बी अवर सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 माइनस 30, दिस विल बी 20,000। अब इसके आप एन पी वी कैलकुलेट कर लीजिए। एन पी वी के लिए सिंपल है, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो सेम है आपका हर साल 20,000, और टर्मिनल कैश इनफ्लो भी नहीं है, डिस्काउंट रेट है 14%। इसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन पी एट 14% फॉर 5 ईयर। तो जिस फैक्टर की 3.4 डबल 3, तो मल्टीप्लाई कर रखे हैं 3.4 डबल 3 से, दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो दिस मैंने जो कमिंग को भी 68 60 60, तो माइनस इनिशियल आउटफ्लो जिसे 110, उस केस में आप देखेंगे आपकी एनपीवी आ रही है नेगेटिव, एनपीवी कमिंग 41,340 जिसे नेगेटिव, इट मीन्स रिजेक्ट हो जाएगी आपकी प्रपोजल। इतनी पुराना मॉडल हम ऑलरेडी परचेज कर चुके थे, उसको सेल कर रहे हैं और एक नया परचेज कर रहे हैं। देन देयर इज सेकंड इज आल्सो इन दिस क्वेश्चन, स्टेट इफ देयर बी एनी चेंज इन योर डिसीजन इफ मॉडल ए हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड एंड द कंपनी इन प्रोसेस ऑफ कॉन्फिगरेशन और सिलेक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू मॉडल्स ऑफ द मशीन। अब इसमें जो मॉडल ए है वो भी हमने परचेज नहीं किया है, तो कंपनी ने डिसीजन लेना है कि दोनों में से कौन सा मॉडल आपको परचेज करना है, उस केस में देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो इसमें जबकि मॉडल ए परचेज ही नहीं किया है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मॉडल ए परचेज कीजिए 1 लाख का, या मॉडल सुपर मॉडल परचेज करेंगे 150। क्योंकि अभी परचेज नहीं किया है तो उसकी सेल का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा इसमें। तो इसमें अब यदि मॉडल ए परचेज करते हैं हम, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट क्या है सुपर मॉडल में 150 की, तो बटी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जिसे केस भी, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारी पड़ेगी अब 150 माइनस 1 लाख, गैट विल बी 50,000। और सुपर मॉडल में सेविंग कितनी होगी 20,000 की, और टैक्स रेट है नहीं आपका, डेप्रिसिएशन में टैक्स भी मिलेगी नहीं, तो इट मीन्स अब कैश इनफ्लो आ जाएगा सेम पर एनम, दिस विल बी 20,000। अब आप इसकी फिर एन पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लाइफ ली है आपको 5 ईयर्स लाइफ की, 5 साल की लाइफ दी थी हमें, तो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 20,000 इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 ईयर 3.4 डबल 3, तो जिसे जो कमिंग को भी 68 660। अब माइनस करो आप इनिशियल आउटफ्लो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी सुपर मॉडल में 50,000 की, उस केस में आप देखेंगे आपकी एनपीवी आ गई है पॉजिटिव जिसे जो 18 660। तो इस केस में अब हमारा सुपर मॉडल जो है गैट विल बी बेटर आइटम, इट मीन्स डिसीजन हो जाएगा एक्सेप्ट सुपर मॉडल। इस एसेट को हमें परचेज करना चाहिए, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 6, इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है। पृथ्वी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एग्जिस्टिंग मशीनरी की बेस में लोगों की टेक्नोलॉजी, जिसमें एक पुरानी मशीन है आपके पास, इन लोगों को इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रिंग डाउन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीनरी के न्यू वन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको देखा गया है एग्जिस्टिंग मशीन परचेज के 5 ईयर्स है, वो रिमेनिंग लाइफ है अभी 5 साल और चल जाएगी, सेल्वेज वैल्यू है 20,000, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के बेस पे चार्ज हो रही है, करंट बुक वैल्यू है 160, रिलायबल मार्केट वैल्यू है 350, एनुअल डेप्रिसिएशन है 28,000। देखो आपको पुरानी मशीन का देखा गया है, ओल्ड मशीन उसकी डब्ल्यू डी भी है आपको जिसे 160, स्क्रैप भी किया है, सेल्वेज वैल्यू अभी इसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 साल की, इतनी स्क्रैप मिलेगी आफ्टर 5 ईयर 20,000, और कैप्टेशन पर एन एम ये आपको यही रखी है क्वेश्चन में 28,000। को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेटिंग अब डब्ल्यू डी है 160 माइनस की आपने स्क्रैप 20 डिवाइडेड बाय लाइफ है 5 ईयर, तो 140/5 28,000।
अब हम नई मशीन अगली परचेज करके हैं, उसकी कॉस्ट आप हो गई है न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जिसे गिवन है 10 लैक्स, उसकी भी लाइफ है 5 ईयर, इसकी सेल्वेज वैल्यू मिलेगी आपको 1 लैक, सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 ईयर 1 लैक, उसकी भी आप डेप्रिशन कैलकुलेट कर लीजिए पर एनम, कॉस्ट 10 लैक माइनस स्क्रैप 1 लैक अपॉन लाइफ है जो 5 ईयर, तो 9 लैक अपॉन 5, 1,80,000 डिफरेंस आ जाएगी आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिशन एडिशनल। फिर आपको मेंशन किया है रिप्लेसमेंट मशीन विल परमिट एन आउटपुट एक्सपेंशन, एज ए रिजल्ट सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी 1 लाख से, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी डिक्लाइन बाय 2 लैक्स पर एनम, को टोटल सेविंग होगी 3 लैक्स, इट विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेंट्री ऑफ 2 लैक्स एंड विल कोज इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल बाय 50,000, और एक हमारा एडिशनल वर्किंग कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी देखो आपको इन्वेंट्री मीन स्टॉक में, और पेबल्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल बन जाएगा आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज 2 लैक माइनस 50 होगी 150। और ये जो पुरानी मशीन है उसकी आपको करंट रिलायबल मार्केट वैल्यू भी दी है, देखिए पुरानी मशीन को सेल करके हैं कूड़े, सेल वैल्यू कूड़े आएगी 350, टैक्स रेट 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, टैक्स रेट आपको दिया है 30%, डिस्काउंट रेट हो गया आपका 12%, एडवाइस का कंपनी अबाउट रीप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, उसमें ब्लॉक ऑफ एसेट के बारे में मेंशन नहीं किया है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्योंकि पुरानी एसेट है, जब आप उसको सेल करेंगे उसमें कैपिटल गेन भी राइज होगा, तो फर्स्ट टर्म लेगेसी बट विल बी इनिशियल आउटफ्लो ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस, तो सबसे पहले देखो नई एसेट परचेज हो जाएगी, प्लस आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है, पुरानी सेल हो जाएगी और सेल में आपको हो रहा है कैपिटल गेन, लेकिन आप सेल को कंपेयर करते हैं WBB से, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस टैक्स टू बी पेड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट न्यू है देखिए आपकी 10 लैक, वर्किंग कैपिटल ये 150, सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट की 350, प्लस टैक्स का रेट है अब आपका 30%, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, गैट विल बी 30% टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 350 माइनस WBB 160, तो किसी 10 + 1 11 माइनस 3 किसी 8, और ये कि आपका कैपिटल गेन इज हाउ मच किसी 350 माइनस 160 1,90,000, उसके ऊपर 30% टैक्स है आपका 57,000 प्लस 8, तो 1,57,000 इज अवर इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब आपने कैलकुलेट करना है कि अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी सेविंग्स हैं, सेल्स इंक्रीज होंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव में सेविंग होगी ₹2 लाख, टोटल सेविंग है आपकी 3 लाख की एवरी ईयर, तो लेकर एडिशनल डेप्रिशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेकर कैलकुलेट बाकी जो बार बेनिफिट ऑफ दिस न्यू मशीन, उसमें देखिए आपको मेंशन किया है सेविंग्स हैं आपकी, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, और उसमें से हमें माइनस करनी है एडिशनल डेप्रिशन, तो लेकर से सेकेंड आइटम देखते हैं वकील एडिशनल डेप्रिशन, एडिशनल डेप्रिशन है न्यू डेप्रिशन 180, ओल्ड डेप्रिशन 28,000, दिस विल बी 152। अब आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो लेकर शो इनकम स्टेटमेंट, दिस विल बी 125 ईयर, अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में, तो आप देखो आपको कितनी सेविंग्स हो रही हैं टोटल, एक तो सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है 1 लाख से, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग है 2 लाख से, टोटल सेविंग बन जाएगी आपकी 3 लाख, उसमें से माइनस कीजिए आप एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसे 152, इतनी बैलेंस ही जब रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 148, उसके ऊपर आपको पे करना है टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स रेट आपको दिया है 30%,
बैलेंस है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, जैसे जो 148 माइनस 30%, 103,600, उसमें आप ऐड बैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन, जैसे कि 152, तो दिस विल बी टोटल कैश इनफ्लो, तो जैसे जो 255,600। अब एक कैलकुलेट करके टर्मिनल कैश इनफ्लो, लास्ट ईयर में आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा, नेक्स्ट ईयर कैलकुलेटिंग टर्मिनल कैश इनफ्लो कितने, मीन्स एट एंड ऑफ लाइफ। एक को आपको देखो इंक्रीमेंटल स्क्रैप मिलेगी, तो जिसे इक्वल को इंक्रीमेंटल स्क्रैप कैपिटल गेन लॉस होगा नहीं लास्ट ईयर में, और एक आपकी वर्किंग कैपिटल की रिकवरी होगी, वर्किंग कैपिटल रिकवरी। देखो इंक्रीमेंटल स्क्रैप है, नई मशीन की है 1 लाख और पुरानी मशीन की है 20, सो 1 लाख माइनस 20 प्लस वर्किंग कैपिटल आपका 150, तो टोटल कैश इनफ्लो है ये ₹230, तो किसी 80 प्लस 150। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एनपीवी, एनुअल कैश इनफ्लो है आपके पास। लेट अस शो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सो वी हैव ईयर्स 1, 2, 5 एंड 5, बाकी जो कैश इनफ्लो पर एनम है आपका 255,600, टर्मिनल कैश इनफ्लो है आपका लास्ट ईयर में 230, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक डिस्काउंट रेट आपको मेंशन दिया है 12% फॉर 5 ईयर। यहाँ हम ले रहे हैं एनुअल फैक्टर एंड सिंगल फैक्टर, किसी को 3.605 एंड 0.567। सो नाउ वी गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसे कमिंग 255,600 इंटू 3.605 एंड 230 इंटू 0.567, सो टोटल कमिंग 10,51,848। इसमें से माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 157,000 माइनस इनिशियल आउटफ्लो और इन्वेस्टमेंट 157,000, बैलेंस ही एन पी वी। इट इज 194,848। तो सिंस एन पी वी जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, वी शुड एक्सेप्ट न्यू मशीन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन, फर्क के प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।